है हम अभी आपका? बहुत परेशान हैं, हाँ मेरा पढ़ाई भी नहीं ही हो रहा है, और उसके बाद हम अभी तो बहुत परेशान हैं, क्या ही बताएंगे। समझ सकते हैं, घर का सबका पीला है, मतलब कलर कितना गोरा रंग? रंग गोरा है, 5 फीट 3 इंच हाइट है, हेल्थ है, और एज समथिंग 45 वर्ष है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेरा SI भी क्लियर हुआ है, और अभी भी मेरा BPSC और UPSC का प्री भी निकला हुआ है, तो हम तैयारी मेरा है। अब देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप बता इनका दो। नाम है मिथिलेश कुमार मेहता, श्रीनगर इनका घर है, श्रीनगर हाता नियर बच्चा जेट पूर्णिया। नमस्कार दोस्तों, देखिए देश में अभी काफी माहौल गर्म है, लोग अपने पति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक लेडीज हैं, इनके साथ इनके हाथ में देख रहे होंगे एक फोटो है, ये इनके हस्बैंड हैं और ये कुछ दिनों से लापता हैं और ये पढ़ाई भी करती हैं और साथ ही साथ डिस्टर्ब हैं अपने पति को लेके, पति मिल नहीं रहे हैं, इनसे अब बात करेंगे। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा कुमारी है, और मेरा कहाँ से आए? हम श्रीनगर हाता नियर बच्चा जेल पूर्णिया से आए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड 1 जून से नहीं मिल रहे हैं, वो घर से अरे ये हाथ में जो फोटो है आपके हस्बैंड है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, और 1 जून से नहीं मिल रहे हैं। 1 जून को वो बोले थे कि हम नगछिया जा रहे हैं, उससे मतलब उसके बाद से ना उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है, और हम वहाँ के जो भी प्रशासन है उससे भी मदद लिए, और अपने तरीके से भी जहाँ तक हो सका हम खोजबीन किए, बहुत हद तक खोजबीन किए, और नहीं मिलने के वजह से, और हम अभी यहाँ आए हुए हैं पटना। तो हमें कुछ पटना कहाँ पे आए हो? महिला विकास मंच में आए हुए थे। अच्छा, महिला विकास मंच में बिना मैम से मिले? हाँ, हम उनसे मिले, तो मैम से बात भी हुई और मैम सपोर्ट भी कर रही हैं, अब देखते हैं कि आगे कहाँ। अच्छा, ये कब से लापता है, कितने दिन से लापता है? 1 जून से लापता है, इनका इलाज चल रहा है, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग जिनको भी मिले तो प्लीज सब इनको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए। मतलब कि इनका मानसिक स्थिति सही नहीं है, इस कारण बस जो है मतलब कि कहीं भटक गए? हाँ, इस कारण बस वो ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी से दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा या आपस में कोई, आपस में कोई भी विवाद नहीं है, और क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। इससे पहले भी एक बार घटना हो चुकी थी, तो वो मिल चुके थे 25 दिन बाद, लेकिन अब भी नहीं पता चल रहा है। अच्छा, थाना में गए तो थाना में क्या कुछ बोले आपको? थाना में FIR सना हुआ, फिर उसके बाद FIR हुआ है, तो अभी तक तो थाना प्रशासन का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खोजबीन वो लोग किए, बोले कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं बोला गया। क्या कुछ आश्वासन दिए होंगे ना? हाँ, बोला कि हम खोजबीन करेंगे, बट आपको भी पता है कि प्रशासन कितना सपोर्ट करता है, तो इससे आप लोग भी जुड़े हुए हैं, हर कोई जुड़ा हुआ, हर किसी के घर में ये सब मैटर होता है, कुछ ना कुछ होता है, और हम यही चाहेंगे कि मीडिया जितना सपोर्ट करती है, शायद प्रशासन पीछे है इस मामले में। बिल्कुल, जितना मीडिया सपोर्ट करती है उतना अगर प्रशासन करती तो शायद से महिला विकास मंच नहीं होता, आज ये नौबत नहीं होता। 1 मंथ 7 दिन के बाद हमको ये नौबत नहीं होता कि यहाँ आना पड़ता। आज ये पूर्णिया से लगभग 250 किलोमीटर से भी प्लस होगा, वहां से चल के यहाँ आए हैं, मैं बिना मानवी मैम से मिलने के लिए विकास महिला मंच आई हैं कि यहाँ से कुछ सहयोग मिल जाएगा, और जो भी मीडिया भाई हैं वो जो है इनका न्यूज चलाएंगे ताकि अधिक लोगों तक जो है ये फोटो जाए, और जिसे भी इन्फॉर्म मिलता है, जिसे भी ये पता चलता है वो इन्फॉर्म करें मैडम को। कैसे, अच्छा इनका स्थिति क्या है मेंटली? मानसिक स्थिति, उनको होश नहीं रहता कि घर कहाँ है, मतलब वो सुने कि पहले बार जब ये गायब हुए थे तो ये खुद से कॉल करके इन्फॉर्म, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो नर्स को नंबर बताया गया, तो वो हमको कांटेक्ट की, तो हम रामपुरा के हार्ट जो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ती है, तो हम वहाँ से लाया गया। तो जब मेंटली ये सही नहीं रहते, नंबर मतलब इतना दिन बाद भी नंबर याद रहता है? नंबर याद रहता है, वो पढ़े लिखे है, मान के चलिए उतना होता है, लेकिन मेमोरी पावर इतनी नहीं है कि वो खुद से घर आ पाए या चल पाए। अच्छा, तो अभी देखिए साथ में एक बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे हमने बात किया ठीक ना, तो वो बोल रहे थे कि पहली बार जब गए हुए थे तो फिर उन्होंने अपने कॉल किया आपको कि हाँ कि पैसा को लेके कुछ परेशानी है, पैसा आप भेज दीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो हुआ था घटना के क्रम में जब हुआ, तो फिर आप मान के चलिए 23 दिन बाद मिला, 3-4 दिन बाद हुआ, फिर उसके बाद 23 दिन के बाद वापस हुआ, वापस आया। पूजा पाठ में सुने कि अधिक विश्वास रखते हैं? हाँ हाँ, वो ऐसा है, धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब की बार जो ये घर से निकले, कब निकले, कैसे निकले और कब से नहीं मिल रहे?
एक जून को निकले हैं, एक जून को मेरी बात हुई है रात्रि के 10 बजे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया मतलब कोई कॉल नहीं आया, बात नहीं हो पाया। मतलब ये कहाँ जा रहे थे? नगोछिया के लिए, भागलपुर बोले जाएंगे। भागलपुर नगोछिया से मेरा बात हुआ। हाँ सुने कि नगोछिया से ये कॉल किए थे आपको, बात किए? हाँ, नगोछिया से किसी के नंबर से, क्योंकि उनका फोन ऑफ बता रहा था, तो किसी के नंबर से कांटेक्ट किया कि हम यहाँ पे हैं और मॉर्निंग में आएंगे, बट उस दिन के बाद से कुछ पता नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चला। इस यहाँ एक सवाल और है कि ये पैदल ही अपने घर से नगोछिया चले गए? नहीं नहीं, बस से गई होगी, कोई पैदल नहीं गए। जैसे बस के कांटेक्ट के बच्चे से बात नहीं, बच्चे को उतना क्या पता है, बाहर निकले हुए थे? नहीं, इसमें पीला टी शर्ट होगा और नीचे जींस होगा। पीला टी शर्ट, ब्लू जींस होगा। कलर कैसा है? टी शर्ट का पीला है, मतलब कलर रंग गोरा, रंग गोरा है। 5 फीट 3 इंच हाइट है, हेल्थ है, और एज समथिंग 45 वर्ष है। 45 वर्ष जी। उसके बाद से आपको कहीं से कोई कॉल? नहीं, कोई पता नहीं चला। मीडिया सारे, इतना सारे मीडिया में आप चलाएं? हम पूर्णिया में भी दिए हुए हैं और समस्तीपुर जंक्शन न्यूज में भी दिए हुए हैं, बट ऐसा कुछ पता नहीं चला है, जिससे हम बहुत काफी ज्यादा परेशान हो गए। क्योंकि देखिए, मानसिक स्थिति अच्छा नहीं तो वो बिगड़ेगा ही, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगा तो उम्मीद यही है कि जो भी जिनको भी मिले तो कोशिश कीजिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर। क्या उम्मीद करते हैं आप? हमें तो उम्मीद है कि पब्लिक और मीडिया साथ देगी, बाकी बात अब हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई भी करते हैं, सुनते हैं कि? हाँ, मेरा पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेरा SI भी क्लियर हुआ है, और अभी भी मेरा BPSC और UPSC का प्री भी निकला हुआ है, तो हम तैयारी मेरा है। अब देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो मध्य मिडिल फैमिली से होता है उसको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। पहले आप एग्जाम भी बहुत सारा निकला? हाँ, मेरा एग्जाम भी 2-3 एग्जाम भी निकला हुआ है, तो एक जॉब करके भी छोड़े हैं, बैंक से रिलेटेड था, जो हम जीविका से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो अभी तो हम अपना पढ़ाई ही कर रहे हैं। हम बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज जिनको भी मिले सपोर्ट कीजिए। मतलब कहीं अभी पूरा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप? इनका नाम है मिथिलेश कुमार मेहता, श्रीनगर इनका घर है, श्रीनगर हाता नियर बच्चा जे पूर्णिया। हम अभी बहुत परेशान है, मेरा पढ़ाई भी नहीं ही हो रहा है, उसके बाद हम अभी तो बहुत परेशान है, क्या ही बताएंगे। समझ सकते हैं, घर का सब कुछ ही होता है, गार्जियन जो होता है वो घर का सब कुछ होता है, तो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। घर में कोई झंझट नहीं था आपस में? नहीं, आपस में कोई झंझट नहीं। इनको घूमना फिरना भी पसंद है? हाँ, वो घूमते फिरते हैं, जो भी काम है अपना। ऐसा नहीं ना कि कहीं घूमने गए हैं? नहीं नहीं, अभी देखिए उसका ट्रीटमेंट, दवाई नहीं चल रहा, सीधी सी बात है कि वो उनका स्थिति ठीक नहीं है, नहीं तो घर से बाहर बहुत कम ही रहते हैं। बहुत कम ही? बहुत कम नहीं है के बराबर। अच्छा, इनका एक बार नाम पता फिर से? इसकी उम्र होगी 45 वर्ष, और रंग गोरा है। बाकी बात दोस्तों देख लीजिए, ये हाथ में जो है फोटो लेके खड़ी है, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगा फोटो, आप लोग ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, थोड़ा नजदीक कीजिएगा, ध्यान से देखिए इनको, जहां पर भी आप देखते हैं। मैं स्क्रीन पे एक नंबर चला रहा हूँ, 250 किलोमीटर तय करके यहाँ पटना पहुंची है महिला विकास मंच के ऑफिस में, और आप लोगों से, सबसे ज्यादा आप लोगों से ज्यादा उम्मीद कर बैठी है कि हाँ आप लोग जो है ढूंढ देंगे, जरूर विश्वास है, और ये उम्मीद कायम रहना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आते हैं। और ये फोटो लेके जो है घूम रही है कि किसी तरह जो है इनके हस्बैंड मिल जाए। ये पढ़ाई करती है और पढ़ाई में बहुत सारा डिस्टर्ब जो है हो रहा है, घर परेशानी लेके आप समझ ही सकते हैं कि इनके हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, तो बाकी बात एग्जाम भी है, तो यही उम्मीद करती हैं कि आप किसी भी तरह अगर कहीं भी देखते हैं तो एक बार कोशिश करें, जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे उस नंबर पे संपर्क करें और इन्फॉर्म करें। अगर कॉल नहीं उठा पाते हैं तो, वीडियो चलने के बाद बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, अगर कॉल नहीं उठा पाते हैं प्लीज आप व्हाट्सएप पे एक बार संपर्क करें, जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और ये घटना जो है भागलपुर पूर्णिया के बीच में नगोछिया पड़ता है, नगोछिया में लास्ट जो है इनसे बात हुई है, इन्होंने कॉल करके घर में बताया कि मैं अभी यहाँ पे हूँ नगोछिया में, उसके बाद नहीं मिले हुए हैं। तो जाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कर अपना जो है कुछ फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ आइडिया जरूर दीजिएगा। बाकी बात आप क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें, सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।